जय जवान जय किसान। साथियों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति, भारतीय किसान लोक शक्ति की फौज के सभी सिपाहियों को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को निर्देशित करता हूं कि भारतीय किसान लोक शक्ति की फौज का कोई भी सिपाही उग्र आंदोलन में ना जाए। अभी भारतीय किसान लोक शक्ति का ना तो कोई रेल रोकने का, ना कोई रोड रोकने का कोई निर्देश जारी हुआ है। भारतीय किसान लोक शक्ति एक शांतिप्रिय संगठन है, शांतिप्रिय तरीके से अपनी आवाज़ उठाता है। जितने भी किसान आंदोलन हो रहे हैं उनकी सभी मांगों का, किसानों की मांगों का समर्थन करता है। अभी हमारा बाहरी समर्थन है। 21 फरवरी को इको गार्डन लखनऊ में भारतीय किसान लोक शक्ति की महापंचायत है, उसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी व राष्ट्रीय पदाधिकारियों से बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी कि जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसमें हम किस प्रकार की भागीदारी तय करें। उससे पहले किसी भी उग्र आंदोलन में हमारा कोई साथी भागीदार ना हो, क्योंकि कई बार आगजनी की घटना हो जाती है, कोई और घटना हो जाती है, उपद्रवी तत्व बीच में आ जाते हैं और हमारे कार्यकर्ता हो सकता है जाने अनजाने में उसमें फंस जाएं। भारतीय किसान लोक शक्ति अनुशासित संगठन है, अनुशासित तरीके से अपनी मांगों को उठाता है। भारतीय किसान लोक शक्ति ने राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र और प्रदेश सरकार से कानून बनवाए हैं, इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं कि 21 फरवरी को जो तय होगा राष्ट्र और प्रदेश की कार्यकारिणी में, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे से आंदोलन में भागीदारी की जाएगी, वहाँ सभी के साथ बैठ करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसलिए 21 फरवरी इको गार्डन लखनऊ की पंचायत को सफल बनाने के लिए संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से सहयोग करें, भागीदारी बने, पंचायत को सफल बनाएं। उससे पहले किसी भी उग्र आंदोलन में अपनी भागीदारी तय ना करें, अपनी तरफ से किसी दूसरे संगठन के बहकावे में ना आए। भारतीय किसान लोक शक्ति एक स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र रूप से काम करता है, लेकिन जितने भी किसान आंदोलन चल रहे हैं उनमें हमारा बाहरी समर्थन है, पूर्ण रूप से समर्थन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान लोक शक्ति।